हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यहां पर जो है एक जोन ने दो दो ऑफिशियल नोटिस जारी किए हैं, और एक तो सप्लीमेंट्री पैनल जो है वो यहां पे जारी हो चुका है, और इसी जोन ने अपने एबसेंटीज कैंडिडेट का पूरा डाटा जो है वो भी जारी किया है कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर एबसेंट रहे हैं। तो ऑफिशियली आपको पता लग जाएगा और किस जोन की मैं बात कर रहा हूँ, आगे वीडियो में आपको पता लगेगा। तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप रेलवे की एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल या जेई की तैयारी करना चाहते हैं, या साथ ही आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसआई या यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो परिवर्तन 3.0 एग्जामपुर की तरफ से वापस आ रहा है। 26 मार्च सुबह 11 बजे जुड़ना ना भूलें। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके नोटिफिकेशन लगा लेना, और यहाँ पर आपका नौकरी का सपना जो है वो पूरा हो सकता है। साथ ही आपको बता दूँ, अगर आप एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो मात्र 1 रुपये में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और 1 रुपए में आप 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट का लाभ ले सकते हैं। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला जो नोटिस है ये सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से आया है। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले मैं डेट आपको दिखाना चाहूँगा, 24 तारीख की नीचे डेट है, 25 तारीख को नोटिस पब्लिश हुआ है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे क्या बताया गया एक बार देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ऑफ फॉलोइंग 311, यानी कि 311 स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बताया गया है, जिसमें 292 नॉन पीडब्ल्यूबीडी यानी कि नॉर्मल कैंडिडेट और 19 पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट थे, हेल्ड फ्रॉम 16 फरवरी टू 11 मार्च। ठीक है, यहाँ पे जो है इनका ये एड्रेस जो दिया है, यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, एंड हुज केसेज वर केप्ट पेंडिंग। ठीक है, तो ये 311 ऐसे स्टूडेंट है जिनके केसेज पेंडिंग में थे किसी डॉक्यूमेंट के कारण, मेडिकल के कारण। तो इन्हें कहा गया है कि एडवाइस टू अटेंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल विद ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो इनको कहा गया है कि आपको जो है आरआरसी में जाना है अपनी सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, और 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में आप जा सकते हैं। अदर पेंडिंग डॉक्यूमेंट एंड नॉट सबमिटेड ऑन अर्लियर डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज बिंग कम्युनिकेटेड टू ऑल द कैंडिडेट थ्रू दियर रजिस्टर्ड ईमेल एंड एसएमएस मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यानी कि यहाँ पे आपको जो है सूचना दी जा रही है कि 30 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके आरआरसी में सबमिट करने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका कैंडिडेशन यहाँ पे कैंसिल भी कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे इन्होंने ये लिखा है, इन केस दे फेल टू अटेंड द रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे ऑन द शेड्यूल डेट्स और अनेबल टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दियर कैंडिडेचर विल बी कैंसिल। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो 311 एक बहुत बड़ा नंबर है जिनके यहाँ पे डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। अगर यहाँ पे देखा जाए इन 311 में से, अगर मान लो कि अगर 100 सीट्स भी यहाँ पे वैकेंट हो जाती है, 100 स्टूडेंट भी ऐसे हो जाते हैं जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर सबमिट नहीं होते हैं, तो ये 100 सीट यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट को मिलने वाली है। ठीक है, तो ये पहला अपडेट आया था सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से। अब चलिए मैं दूसरा अपडेट भी आपको बता देता हूँ। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ये दूसरा अपडेट है। बेसिकली ये भी सेंट्रल रेलवे की तरफ से ही है। सबसे पहले तो नीचे जाके डेट मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे लास्ट में इन्होंने डेट दी है, तो 24 तारीख की डेट आप देख सकते हैं। आज ये 25 तारीख में नोटिस सामने आया, इसमें क्या कहा गया है, रेलवे रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पे कहा गया 186 कैंडिडेट, जिसमें से 161 नॉन पीडब्ल्यूडी यानी कि नॉर्मल और 25 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट रिमेन एबसेंट इन द डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हेल्ड फ्रॉम 16 फरवरी टू 11 मार्च। तो देखो 186 कैंडिडेट यहाँ पे एबसेंट रहे हैं पीडब्ल्यूडी और नॉर्मल को मिला के 16 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में। ठीक है, तो इनके लिए बेसिकली यहां पे सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 30 मार्च को यहां पे कंडक्ट होना, एक तरह से ब्लॉक डेट भी आप इसको कह सकते हैं, और ये फाइनल ब्लॉक डेट है, इसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। और उन स्टूडेंट के यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, नॉन पीडब्ल्यूबीडी के भी और पीडब्ल्यूबीडी के भी, ये सारे रोल नंबर है, आप जाके मैच कीजिए। तो इनमें से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट एनटीपीसी में लग गए हो या किसी और जॉब में चले गए, लेकिन कोई भी अगर ऐसे स्टूडेंट है जो ग्रुप डी में जॉब पाना चाहता है तो वो जाके अपना यहाँ पे डीवी कंडक्ट करा सकता है। आगे इन्होंने एक बात और बोली है, एड्रेस तो इन्होंने यहाँ पे दे ही दिया है। आगे कहा है, कैंडिडेट्स अटेंडिंग द सप्लीमेंट्री वेरिफिकेशन आर एडवाइज टू डाउनलोड द कॉल लेटर एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली, नो मोर सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी हेल्ड आफ्टर 30/3, यानी कि 30 मार्च के बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। अगर आप अभी एबसेंट होते हैं तो फर्दर कोई रिक्वेस्ट आपकी नहीं मानी जाएगी, 2 से 3 दिन का स्टे लेकर जाना, 24 तारीख की डेट है। तो बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ तो आपको पता लग गई होगी, देखो क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 186 तो ये कैंडिडेट हो गए, ठीक है 186, और मैंने आपको कहा है कि एक उसमें से अगर यानी कि जो आपके पेंडिंग वाले उसमें से अगर 100 सीट भी आपको मिलती हैं तो 286 सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहती है, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ये 300 तक भी डाटा जा सकता है। 300 सीट खाली रहती है तो ऑब्वियसली बात है कि सेकेंड डीवी थर्ड डीवी आपका फिर से कंडक्ट होगा और बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे मौका मिलेगा। तो ये दो अपडेट आए थे सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।